अगर इलेक्शन कमीशन ने कोई ऐसा डिसीजन लिया है, जाहिर है कोर्ट को ही जाके एड्रेस करेंगे, अपना प्लानिंग चेंज करेंगे। एक सवाल के जवाब में कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुल्क भर के मुंतखब बल्दियाती क़यादत मेयर्स और डिप्टी मेयर्स चेयरमैनों को 25 जुलाई तक मुअत्तल कर दिया गया, मेयर कराची ने कहा कि मेरे इल्म में नहीं है अभी ये वाली बात, देखते हैं अगर इलेक्शन कमीशन ने कोई ऐसा डिसीजन लिया है, क्योंकि इससे हटके हमारे पास जो डायरेक्टिव्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट से भी हैं, हाई कोर्ट से भी हैं, वाटर कमीशन से हैं कि ये नाले साफ किए जाएं, इंक्रोचमेंट रिमूव की जाए, तो उसका क्या बनेगा फिर हम जाहिर है कोर्ट को ही जाके एड्रेस करेंगे कि वो हमें डायरेक्शन दे कि अब अगर इलेक्शन कमीशन ये कहता है तो हमें क्या करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हमारा पूरा सिस्टम है, म्यूनसिपल कमिश्नर हैं मौजूद, हमारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, वो इसको मॉनिटर कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि अगर एलिटेड लोगों को बिठाने की ऐसी कोई डायरेक्टिव आई हैं, कोई डिसीजन लिया गया है, तो उसके हिसाब से हम फिर अपना प्लानिंग चेंज करेंगे। मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा है कि शहर के तमाम बड़े नालों पर तेजी से काम चल रहा है, अच्छे काम को भी कुछ शरपसंद अफराद आवाम को गुमराह करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो पैसा नालों की सफाई के लिए मिला है वो पूरा सफाई में खर्च होगा, हम नालों के उन मकामात पर ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं जहाँ बारिशों में सबसे ज्यादा मसाइल पेश आते थे और करीबी आबादियों के लिए खतरात पैदा हो जाते थे। मेयर कराची ने कहा कि शहरियों की भी ये जिम्मेदारी है कि वो नालों में कचरा ना फेंके और ना ही घरों का सैवरेज नालों में डाला जाए, अगर ये नाले बरवक्त साफ ना किए गए तो बरसाती पानी की निकासी में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। एक ऑनगोइंग कैंपेन है, इसमें थोड़ा सा और मजीद टाइम भी लगेगा, मानसून का वक्त है, फोरकास्ट भी है बारिश की, उसको भी मद्देनजर रखा हुआ है। हमने जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको अपनी मशीनरी मोर देन डबल करने के लिए हिदायत की हुई है, दो शिफ्टों में काम करने के लिए हिदायत की है, ताकि अगर बारिश तेज़ हो तो कम से कम ये जो बड़े नाले हैं ये कहीं से चोक ना हो, इनका पानी जो है वो ईजिली निकल सके समंदर की तरफ। ये प्लानिंग है, उस पर हम अमल कर रहे हैं, हर दूसरे दिन हर रोज़ सारे तकरीबन नाले हम खुद विज़िट कर रहे हैं और काम करवा रहे हैं।